क्या लगता है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी सर्दियों में फिर थोड़ी ठंड पड़ेगी मार्केट में? देखिए, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है, जो चीजें इस वक्त तक हो चुकी हैं प्रॉपर्टी के साथ, जैसे टैक्सेस लगे हैं या और दूसरी तीसरी जो भी कानून गवर्नमेंट ने बनाए हैं, अगर तो ये स्टेबल हो जाते हैं तो फिर तो यूज टू हो जाएंगे, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मजीद कोई इस तरह की चीजें आती हैं, कोई टैक्सेस ज्यादा लगते हैं और मजीद या और कोई इस तरह की, तो जरूर फर्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले सीजन में भी जब हमने मरी का वो स्टार्ट किया था, तो उस वक्त तो शदीद सर्दी का मौसम था, और आपको याद होगा कि आप स्टार्ट में जब जाते थे तो बिल्कुल बर्फबारी के अंदर जो जाते थे, तो उस वक्त भी कोई खास जो है वो उसमें असरअंदाज नहीं हो रही थी ये चीजें। और अगर मैं मरी के हवाले से बात करूं, तो मरी में तो मेरे ख्याल में ज्यादा अट्रैक्शन पैदा होगी जब आप देखेंगे कि स्नोफॉलिंग वगैरह होती है और इस तरह की चीजें, फिर तो ज्यादा उस तरफ लोगों का रुझान होगा। तो बाकी ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज है वो भी उस वक्त तक उम्मीद है कि हालात जो है आपकी निस्बत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे और हमारी इकोनॉमी के अंदर भी किसी हद तक कोई स्टेबिलिटी आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता इसका रुझान ऊपर की तरफ ही इंशाल्लाह जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसका रुझान ऊपर की तरफ आएगा जी, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। मसला ये आ रहा है कि आप अगर नॉन फाइलर हैं, प्लाट खरीद रहे हैं, तो 10% आपने टैक्स देना है, फाइलर हैं तो 3% टैक्स देना है। अब ये वाली बात खत्म हो गई है, पुरानी जितनी खूबसूरत बातें थी वो सारी की सारी खत्म होती जा रही है, सही तो बात है, इसका भी मार्केट के ऊपर असर पड़ेगा 10% का भी। ये होना तो चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि रेट उनके ज्यादा होंगे, क्योंकि हर एक को आप टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ये आप किसी एक पर एग्जम्पशन नहीं है, जब एक टैक्सेस पूरे पाकिस्तान में लागू हो जाएंगे तो इसको हजम करना पड़ेगा हर एक को, फिर उसी हिसाब से उनको अपना फिर मार्जिन भी रखना पड़ेगा। तो ये कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर वो रेट हाई हो गया तो प्रॉपर्टी फॉर एवर बह जाए। लो, 65 लाख बच्चा हर पाकिस्तान में पैदा हो रहा है हर साल, और कितने लाखों की हर साल जरूरत होती है आपको मकान की। तो ये एक सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन इसमें ये कहना कि फ्लाप हो जाएगी ये भी अभी मुमकिन नहीं है। और ये देखना पड़ेगा लोकेशन, उनकी प्राइस, उनकी इंस्टॉलमेंट, उनकी डाउन पेमेंट कितनी है।